तो आज की हमारी इस ऑनलाइन लाइव क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मूला का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं, हम फॉर्मूला सिंपलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक हमने बहुत सारे फॉर्मूले को मेनू बार से पढ़ा, जैसे लॉजिकल, फाइनेंशियल, मैथमेटिकल, स्टैटिकल, बहुत सारे फॉर्मूले को पढ़ा हमने, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज फॉर्मूला सिंपलाइजेशन की। फॉर्मूला सिंपलाइजेशन, देखिए फॉर्मूला सिंपलाइजेशन कोई ए नहीं है, मतलब कि कोई कोई ऐसा कोई कमांड या कोई ऐसा फॉर्मूला कोई ऐसा स्टेप नहीं है। बेसिकली फॉर्मूला सिंपलाइजेशन मैंने नाम दिया हुआ है, समझ गए? अब फॉर्मूला सिंपलाइजेशन क्यों नाम दिए हुए हैं, चलिए आपको इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो उसके लिए हम आपको याद कराएंगे हमारी फॉर्मूला की पहली क्लास कैलकुलेशन मेथड, याद है? उसमें हमने आपको एक कोड एक प्रॉब्लम बताया था, जैसे कि एमआरपी हमें निकालना है और उसके लिए हमने कॉस्ट हमारे पास था, तो उस कॉस्ट का हम मान लीजिए 50 रुपीज कॉस्ट है, तो उसकी एमआरपी निकालनी है। तो हमने कैलकुलेट किया था मैनुअल कि 50 का 5% मैन्युफैक्चरर का है, मतलब कि मैन्युफैक्चरर जो है वो आपको 52 रुपये 50 पैसे में बेचेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर 10% लेगा और होलसेलर को देगा, तो होलसेलर इस प्रोडक्ट को 57 रुपये बेचेगा, फिर होलसेलर अपने का 10% लेगा और किसको देगा? रिटेलर को देगा 10%, नहीं 15% लेगा, 10% डिस्ट्रीब्यूटर ले रहा है, और वो किसको देगा? वो देगा हमें, म्यूट कर लीजिए मेहता राजीव रोशन जी, बैकग्राउंड शोर आ रहा है, थैंक्स। रिटेलर को देगा और रिटेलर क्या करेगा, अपने खरीद का 20% ऐड करेगा और किसको देगा? वो देगा अपने कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर प्राइस इज द आपका फाइनल प्राइस, मतलब एमआरपी है। तो याद होगा इन सब को हमने ग्रुप किया था कि हम इसको क्योंकि अलग अलग थे तो मुझे एक सेल में चाहिए होगा, तो हमने इसको कॉपी किया था और इसमें जहाँ पे हमारा B17 है वहां पे उसको हमने C17 के जगह पे C17 का फॉर्मूला इन द ब्रैकेट में लिया था और इसी प्रोसीजर को हमने अपनाया था, C8 ब्रैकेट ओपन क्लोज, C8 ब्रैकेट ओपन क्लोज। 2 मिनट लगेगा, मैं इसको बना ही देता हूँ ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी होगा, क्योंकि इस चीज ये फॉर्मूला सिंपलाइजेशन को उसका यूज समझना सबसे बड़ा बात होता है, कि इसका बेनिफिट समझना सबसे बड़ी बात होती है। ये आपका D8, कॉपी किया इसमें, तो इस तरह से अलग अलग लगाने से क्या होता है कि इजिली कैलकुलेशन हो जाता है। और आपने अभी तक के बहुत सारे फॉर्मूले में देखा आपने कि मैं किस तरह से अलग अलग लगाता हूँ फिर इसको आपस में कंबाइन कर देता हूँ, इसे क्या होता है कि हम हमारे पास जो भी अगर कोई कहीं पे दिक्कत होती है तो उसको हम इजिली कैलकुलेट कर लेते हैं। ये फॉर्मूला हमारा बना इन द फाइनल, हम कट करके इसको लाते हैं। तो आपने देखा कि फॉर्मूला जब हमने मेनू लगाया उसको क्लब किया था, क्लब करने के बाद इतनी लंबी फॉर्मूला बना। अगर कल के डेट में परसेंटेज चेंज होता है तो देखिए कितने जगहों पे मुझे परसेंटेज चेंज करना पड़ेगा, क्या सर? तो अब मैं इसको फॉर्मूला सिंपलाइजेशन की मेथड से बनाता हूं कि मुझे यहाँ पे कॉस्ट है, सॉरी कॉस्ट कॉस्ट है और यहाँ मुझे एमआरपी निकालनी है। तो कॉस्ट हमारा 50 है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे डिफाइन नेम और डिफाइन नेम में आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे
इक्वल हमारा है सी टू, कि सी टू मल्टीप्लाई बाई 5% प्लस सी टू, और मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन को हम लेते हैं ब्रैकेट में ताकि बोर्ड मास मेथड को फॉलो करे, एंड ओके कर दिया। उसके बाद डिफाइन नेम में हमने डिफाइन नेम में कौन सा लिया, यहाँ पे एमआरपी गलत किया हमने, इसका नाम एमआरपी नहीं, इसका नाम एमआरपी नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो एम अंडरस्कोर सी कर देता हूँ मैं। उसके बाद न्यू पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता है आपका डी अंडरस्कोर सी, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करते हैं कि इक्वल एम अंडरस्कोर सी सी मल्टीप्लाई बाई 10% प्लस एम अंडरस्कोर सी, और इसको हम ब्रैकेट में लेते हैं ताकि कैलकुलेशन सही तरीके से हो, तो हमारा डी सी निकल जाता है। अब हम यहाँ पे न्यू करते हैं, यहाँ पे एच सी निकालते हैं कि एच अंडरस्कोर सी, और एच सी होगा यहाँ पे डी अंडरस्कोर सी मल्टीप्लाई बाई 15% प्लस डी अंडरस्कोर सी, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, एंड हम इसको ओके करते हैं। फिर न्यू पे जाते हैं, अब इसके बाद हमारा एमआरपी निकालना है, कौन सा 10% था ना, एक मिनट परसेंटेज देख लेते हो, यहाँ पे एमसी में 5% 10% एंड 15%, अब हमारा एमआरपी निकलना है, तो एमआरपी हमने यहाँ पे दिया, और यहाँ पे इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे एच सी, एच अंडरस्कोर सी मल्टीप्लाई बाई 20% प्लस एच अंडरस्कोर सी, और इसको बैक में लेते हैं, सॉरी हमने इसको बैक में रख लिया। अब हम इसको ओके करते हैं एंड क्लोज करते हैं, और यहाँ पे इक्वल एम आर पी अप्लाई करते हैं, और आपके सामने रिजल्ट है। अब देखिए, आप सोचिए कि ए फॉर्मूला हमारे लिए बेटर है या ए फॉर्मूला हमारा बेटर है। अब इसमें कल के डेट में नीचे अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो हम इसको ड्रैग करेंगे आसानी से, तो हमारा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है सर, यस सर, तो मेहताब जी, राजीव जी, समझ में आया? यस सर, ओके, संतोष जी, हेलो संतोष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रहा है, तो एग्जाम्पल समझ में आया आपको कि नहीं? यस सर, यस सर, यस सर, ओके, तो आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं सेशन को अल्ट प्लस आर से। ओके सर, तो फॉर्मूला सिंपलाइजेशन, जैसे कि हमने शुरुआती में बताया कि फॉर्मूला सिंपलाइजेशन कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कमांड नहीं है, कोई स्टेप नहीं है, और ये नाम भी एग्जिस्ट नहीं करता है एक्सेल में। ये नाम मैंने दिया है, और मैंने नाम दिया है इसके मोटिव से, इसके काम से, इसका रिजल्ट से। तो मैंने दिखाया आपको कि हम मैनुअल कैलकुलेशन करने के बाद हमारा फॉर्मूला इतना लंबा बनता था, फिर उसको हमने डिफाइन नेम में गए, और जो कैलकुलेशन हमें बाहर कर रहे थे उस कैलकुलेशन को हमने डिफाइन नेम में कर दिया, और डिफाइन नेम में करने के बाद हमारा यहाँ इतना इजी हो गया। सबसे बड़ी बात, कल के डेट में मान लीजिए कि होलसेलर प्राइस जो है बढ़ जाती है कि वो 21% लेगा, तो हमें सिर्फ यहीं पे एक जगह पे 21% करना है, बट आपके डेटा में देखिए कितने जगहों पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब जब हर चीज की एक एडवांटेज होता है तो एक डिसएडवांटेज भी तो होता है सर, तो एडवांटेज की बात तो हम कर ली, अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। अब डिसएडवांटेज में आपके सामने ये आता है कि अभी जैसे कि हमने यहाँ किया कि हमने ऊपर लिखा 50 और यहाँ पे एमआरपी लगाएंगे तो ये हमारा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि हमने जब नेम डिफाइन किया था तो उस समय मेरा कर्सर यहाँ पे था और हमने ए वाली वैल्यू ली थी, तो वो इसी सीक्वेंस को मेंटेन रखेगा कहीं भी, और इसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, इस सीट में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं इक्वल एमआरपी। अब यहाँ पे देखिए नहीं हुआ ना सर, इक्वल एमआरपी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे
सीट नेम आ गया होगा, हाँ जरूर सीट नेम आ गया होगा एमसी में, देखिए सीट वन आ गया ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ से सीट वन को डिलीट कर देता हूँ। हाँ इसको कॉपी अगर करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो दिक्कत होगा, लेकिन कॉपी करने पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओ सेम सीट पे वर्क करेगा, अनोदर सीट पे जब जाएंगे तो दिक्कत करेगा सर, यह एक और डिसएडवांटेज है। लेकिन 2007 में तो मूव हो जाता था, बट यहाँ क्यों नहीं मूव हो रहा है? एक डिसएडवांटेज ये भी है। अब कहने का मतलब है कि क्या हम सिर्फ इसके मतलब कि कल मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही करेंगे या कुछ और भी कर सकते हैं? जी हाँ, हम कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको वर्कशीट फॉर्मूला को अगर उसके अंदर डालना है, तो आप वर्कशीट फॉर्मूला को भी उसके अंदर डाल सकते हैं। कैसे, चलिए बताता हूँ आपको मैं। हमने इसको कॉपी किया और इसके अंदर पेस्ट किया, और जो ये डिफाइन नेम आप यूज कर रहे हैं, इसका यूज हम लोग आगे चल के वीवीए में भी करते हैं सर। जैसे वीवीए में लिस्ट बॉक्स वगैरह हुआ, लिस्ट बॉक्स को ऑटोमेट करना वगैरह हुआ, तो उस केस में भी हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं नेम को। तो यहाँ आपके सामने, यहाँ देखिए आपके सामने रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। अब मुझे इस पे जो है स्लैब इंसेंटिव देना है, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं इफ का फॉर्मूला कि इफ अगर लेस देन इक्वल टू 40 है तो 500, then again if अगर less than equal to 60 है तो 1000, again if लगाते हैं कि अगर ये less than equal to 80 है तो 1500, and again हम यहाँ पे बोलते हैं कि greater than less if less than equal to 100 है तो 2000, otherwise 5000, ये हमने लगा लिया। अब इस फॉर्मूला को भी हम उठा के सीधे इसको कॉपी कर सकते हैं, कहाँ पे, डिफाइन नेम में, फॉर्मूला डिफाइन नेम, और यहाँ पे हम देते हैं INC, और यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको हम पेस्ट करके ओके कर देते हैं। डबल डबल कॉमा आ गया, हाँ ओके कर देते हैं। अब मुझे यहाँ कहीं लगाना हुआ तो जस्ट INC लगा के एंटर करेंगे, कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल, जैसे कि मान लीजिए ना कि आपको बड़े बड़े फॉर्मूले कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत होता है, लगाने में दिक्कत होता है, टाइप करने में दिक्कत होता है, तो इसका इस्तेमाल अपना सकते हैं। लेकिन ये चीज उसके लिए उस पे बनता है जो कि हमें रेगुलर यूज होता है, समझ गए ना, रेगुलर यूज होता है वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज और है कि आप इसमें डेटा को भी स्टोर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि यहां हमारे पास सिटी कोड है, सिटी कोड है, और यहां पे सिटी का नेम देना है, तो यहां पे हमारे पास सिटी कोड का लिस्ट है कि 11 हो तो दिल्ली आए, उसके बाद यहां पे 22 हो तो मुंबई आए, 33 हो तो चेन्नई आए, 44 हो तो कोलकाता आए, ऐसे बहुत सारे सिटी लिस्ट है। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे यहाँ इस पे 11 लिखू तो यहाँ पे दिल्ली, 22 लिखू तो मुंबई, इस तरह से आना चाहिए, जो भी सिटी कोड लिखू तो सिटी आना चाहिए। तो जनरली उसके लिए आप क्या करते हैं, आप उसके लिए वी लुकअप लगाते हैं, क्या सर? बट वी लुकअप तो लगाया ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है कि हम चाहते हैं इस डेटा को किसी सीट पे स्टोर नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं किसी फॉर्मूला या किसी और के इसमें अंदर ही रहे, बाहर ना हो। तो उसके लिए इफ फॉर्मूला लगाएंगे, तो चलो 3-4 है तो इफ लगा लेंगे आप, लेकिन जहां पे आपका 30, 40, 50, 60, 100 हुआ वहां पर दिक्कत होगा ना सर, कंडीशन काफी लंबा हो जाएगा। तो वहां पे इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास दूसरा तरीका होता है, वो हम एरे फॉर्म में डेटा को भी स्टोर किया जा सकता है सर। कैसे करेंगे बताता हूं। यहां आप नेम मैनेजर में आए,
डिफाइन नेम मैं डेटा कर देता हूँ, यहाँ कुछ नहीं लिखता हूँ, मैं नेम रेंज में जाता हूँ क्योंकि नेम रेंज में थोड़ा सा बड़ा एरिया मिलेगा लिखने के लिए, इसलिए हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट 11 कॉमा और हम यहाँ पे लिखेंगे दिल्ली, सेमी कॉलन। अब देखिए कॉमा, इसमें कॉमा सेपरेटर है किसका, कॉमा सेपरेटर है आपका कॉलन का, और रो का सेपरेटर है सेमी कॉलन, तो 22 कॉमा मुंबई। टेक्स्ट ऐसे इन्वर्टर कॉमा डालना पड़ रहा है, फिर सेमी कॉलन 33 कॉमा चेन्नई। फिर यहां पे सेमी कॉलन 44 कॉमा कोलकाता, और फिर हम कल इस तरह से आगे लिखते जाओ। फिलहाल मैंने कल क्लोज कर दिया, एनओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे 22 लिखूं और डायरेक्ट यहाँ पे वी लुकअप लगा सकता हूँ, और वी लुकअप में मैं डेटा जो नेम मैनेजर है उसको लिया, कॉल किया कॉमा 2,0 और आपके सामने रिजल्ट। क्लियर सर? यस सर। संतोष जी कोई डाउट आपको? यस सर, यस सर, सर। तो ये हमारा फॉर्मूला सिंपलाइजेशन का रूल होता है। अब फॉर्मूला सिंपलाइजेशन का, जैसे कि मैंने कल फाइनेंशियल फॉर्मूला आपको बताया था, तो उसमें हमने बताया था कि फॉर्मूला सिंपलाइजेशन कैसे यूज किया गया है। तो आप राइट क्लिक करके इंसर्ट करें, स्प्रेडशीट सॉल्यूशन पे जाए और यहाँ पे लोन ऑथराइजेशन वाले को ओके करें, तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके सामने इस ये लोन का शीट खुल गया है। ये बाय डिफॉल्ट प्रोटेक्ट होता है विदाउट पासवर्ड, जनरली अनप्रोटेक्ट करेंगे तो ये पूरा दिख जाएगा। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए कोई लोन अमाउंट देता हूँ कि 50,000, इंटरेस्ट रेट मान लीजिए मैंने दिया 7%, लोन का पीरियड मान लीजिए 4 साल दिया, 1 साल में 12 पेमेंट करनी है और लोन स्टार्ट आज से हो रहा है, तो एंटर मारते ही यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे पूरा शेड्यूल कैलकुलेट है। यहाँ पे आपका पूरा एक कैलकुलेट हो गया कि भाई 48 पेमेंट में कौन पेमेंट होगा सारा, यहाँ पे इंटरेस्ट भी आ रहा है, हर महीने का इंटरेस्ट, एंडिंग बैलेंस, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, यहाँ पे टोटल है, यहाँ पे हर महीने के हिसाब से दिख रहा है ताकि सेटलमेंट करते समय हम उसका टोटल वगैरह आसानी से कर सके। तो यहाँ जब किसी इसके फॉर्मूले पे आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे किसी सेल का, यहाँ पे देखिए यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सेल का कोई जिक्र नहीं है, दिख रहा है सर? A1, B1, C1, D1 कुछ ऐसा दिख रहा है आपको यहाँ पे? नहीं सर। तो ये क्या दिख रहा है? तो ये हमारा डिफाइन नेम है, ठीक है? यस सर। तो डिफाइन नेम है, तो डिफाइन नेम किया गया है इस पे कहां से, आप यहाँ फॉर्मूला मेन्यू बार में देखें, क्या बोलते हैं इसमें फॉर्मूला में डिफाइन नेम में, तो यहां आपको दिखेगा कि इसमें किसी में तो सिर्फ रेफरेंस है, डेटा रेफरेंस है, यहां दिख रहा है आपको, लेकिन बहुत सारे जगहों में कैलकुलेशन भी है सर, यहाँ बहुत सारे जगहों पे देखेंगे कि कैलकुलेशन है। दिख रहा है आपको सर? ये तो मेरा ही है। तो इसने बहुत सारे जगहों पे इसने कैलकुलेट किया हुआ है सर, यहाँ देखिए कैलकुलेट, ये देख रहा है आपको कैलकुलेशन है, डेट का फॉर्मूला आया कैलकुलेट किए हुए, यहाँ देखिए ऑप्शन का फॉर्मूला लेके, ये प्रिंट एरिया है कि कितना एरिया प्रिंट में आएगा, जैसे कि कंट्रोल पी अगर आप करते हैं तो देख रहे हैं आपका प्रिंट एरिया, तो प्रिंट एरिया कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि प्रिंट एरिया में, यहाँ पे जरूरी तो नहीं है कि पूरा लेकिन फॉर्मूला तो इसने नीचे तक लगा रखा है ना सर, तो ये बोलता है कि मेरा प्रिंट एरिया जहां तक मेरा डेटा हो वहीं तक प्रिंट एरिया हो, उसके नीचे प्रिंट एरिया ना हो, समझ गए?
तो इसने डिफाइन नेम में जाके प्रिंट एरिया को डिफाइन किया है फॉर्मूले से, इसकी फॉर्मूला को समझे, तो एक नया चीज आपको आ गया, प्रिंट एरिया दिख रहा है आपको ऑफसेट से कि फुल प्रिंट कॉमा जीरो जीरो लास्ट रो, लास्ट रो को भी इसने कनेक्ट किया हुआ है, मतलब कि जितना एरिया उतना ले लिया हुआ है। आप जो समझने की कोशिश कीजिए, अब आप समझ में नहीं आएगा तो हम आपको बता देंगे सर। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका सेट प्रिंट एरिया में जाके इसने प्रिंट एरिया को सेट किए हुए हैं। तो इस सीट को समझने की कोशिश कीजिएगा, डाउट होगा मुझसे पूछ लीजिए। इसने फॉर्मूला सिंपलाइजेशन का इस्तेमाल किया गया है, तो आप भी इस तरह की चीजें अपने फाइल में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आप क्या लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला सिंपलाइजेशन के 10 एग्जाम्पल बनाकर मुझे आप लोग देंगे, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं सर कि अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एरे फॉर्मूला है, डेटा कनेक्टिविटी विद एक्सेल है एंड डायनेमिक चार्ट है। मैं तीन टॉपिक हमारा बचा हुआ है एक्सेल का, राइट सर। जी सर। उसके बाद हम हर वीकेंड्स पे आपका एक क्लास अरेंज करेंगे, हर वीकेंड्स या एक दो वीकेंड और भी हो, गैप भी हो सकता है, डैशबोर्ड्स की, जिसमें हम एक्सेल फॉर्मूला और एक्सेल की मदद से डैशबोर्ड क्रिएट करना आपको सिखाएंगे, ठीक है। अब डैशबोर्ड हम आपको वीकेंड्स में क्यों बता रहे हैं, बताने का रीजन ये है क्योंकि हमारे पास जो है क्लासेस तो 45 मिनट की होती है, लेकिन डैशबोर्ड की क्लास की जरूरी नहीं कि 45 मिनट, वो डेढ़ घंटा भी हो सकता है, दो घंटा भी हो सकता है, ढाई घंटा भी हो सकता है, ऐसा। इसलिए हम वीकेंड्स में रखते हैं ताकि अगली क्लास को इफेक्ट ना हो, क्योंकि नाइट में इस तरह से ज्यादा क्लास नहीं ले सकता ना, इसलिए वीकेंड्स में हम रखते हैं डैशबोर्ड की, ठीक है सर। जी सर। ओके ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। छोटी मोटी डाउट कर सकते हैं, बड़ा डाउट हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।